जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशई विघ्न ने। नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीलाडलीलाल की परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। श्रीमन नारदीय निकुंज की जय। कुंज विहारे विहारणी जू के जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। माँ, आपके श्री चरणों में प्रणाम करके आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ। और असल में ये बालक बैठने के लिए एक आसन लाए हैं जिसमें पीछे सहारा लेके आराम से बैठ सकते हैं। आप बिल्कुल कमजोर नहीं हैं, ये बच्चों को अच्छा लगेगा थोड़ा आप सहारा लेके उसमें बैठेंगे तो। इसमें गद्दी भी बड़ी अच्छी है बैठने में और आपको कम्फर्टेबल कितना लगेगा। अरे राम राम, अब इससे आगे कोई प्रश्न बनता नहीं है। पीछे बच्चों की खुराफत थी, वही लेके आए हैं, देखो इसमें आराम से बैठेंगे। माँ नहीं, ये मैंने नहीं किया है। माँ से छिपाएंगे भैया, माँ से कोई चीज छिपी नहीं रहती, बेटे को जानती है माँ। आज बहुत ही हर्ष का विषय है, कल हमने आपसे वार्ता की। आज जब माँ घर पे थी ना, तो मैंने माँ से कहा, माँ मैंने बचपन में बहुत वर्षों पूर्व महादेवी वर्मा जी का कोई चित्र सा देखा था, छाया चित्र से बनाते हैं ना, वो बुक्स वगैरह में होता है महादेवी वर्मा, ऐसे बनाया होता था। तो आज मैंने माँ को जब देखा तो मुझे लगा, ऐसे लगा माँ कुछ लिख रही थी। और वो मेरी भतीजी वो बैठी थी पास में, थोड़ा गेट खोल दो सो। तो मुझे लगा महादेवी वर्मा जी बैठी हुई हैं। एक बात कॉमन है, वो ये कि वो भी हिंदी की बहुत प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध लेखिका थी, महादेवी वर्मा जी। पर जिन्होंने कभी कदाचित और माँ को पढ़ा है, माँ के द्वारा लिखे गए जितने भी माँ की कृतियाँ हैं, 150-150, 200-200 लोगों का मेड़ता जाना, फिर वर्षों से अभी कोविड के कारण इस बार बीच में रह गया दो बार से। जो श्री दूधा जी, उनके दादाजी, उनका स्थान श्री जयमल जी का बहुत सुंदर, तो मीरा चरित्र हम लोगों ने यहाँ पे दो बार कहा है, यहाँ सब लोगों ने पढ़ा है। फिर माँ की दूसरी कृति चक्रचरितम, वो यहाँ पे लगभग 6-7 महीने हमने हर रोज कही, बाकी संतों के अन्य संतों के दृष्टांतों के साथ, क्योंकि इसी बात को फिर और भी उसको डिटेल में बताते हैं। तीसरा वो चरित्र जो लीला चिंतन करते हैं, उन साधकों के लिए बहुत अच्छा है, सखियों के शाम, बहुत सुंदर बात है। बहुत माँ को और उनके पास बैठने से आप लोगों को इतिहास
कि ऐसी जानकारी हो जाएगी। भारत का गौरवमय इतिहास, आज हम बात कर रहे थे माँ से, तो किस तरह भारत के वीर योद्धाओं का क्या गौरव था, थोड़ी सी देर की वार्ता हुई, लेकिन जब भी हमारी बात होती है देश के विषय में, राष्ट्र के विषय में, तो जिस तरह हमारे विचार हैं कि भाई हम चाहते हैं कि अपने राष्ट्र धर्म का पालन हम लोगों को करना चाहिए, ठीक है। भागवत धर्म तक पहुंचने की पहली सीढ़ी यही है, हमें अपने जितने भी, माँ ने एक शब्द कहा था, माँ का एक वाक्य था, उन्होंने कहा कि अगर हम कर्तव्यों का समुचित पालन करें तो कर्तव्य हमें वैराग्य का वरदान देते हैं। कितनी अच्छी बात है, स्वकर्मणा तमभ्यर्चम सिद्धिम विन्दति मानवा। भगवान कहते हैं अपने कर्मों से मेरी उपासना करके सिद्धि को पाया है लोगों ने, तो माँ का हम चरणों में प्रणाम करके और इसी तरह अभिवादन करते हैं माँ के लिए। कुछ बोलें, सारे जग में नाम कमायो अपनों गिरधर लाल रिझायो, आखिर वास वैकुंठ में पायो मीरा मेरतनी, ओ मीरा मेरतनी। सारे जग में नाम कमायो अपनों गिरधर लाल रिझायो, आखिर वास वैकुंठ में पायो मीरा मेरतनी, ओ मीरा मेरतनी, मीरा मेरतनी, ओ मीरा। जैसे मीरा जी ने, हाँ बहुत सुंदर बात है, किसी ने हमारे राजस्थान में लोग गाते हैं उधर, तो माँ पूजा कमल दीदी कह रही नहीं वैकुंठ में बास नहीं पाया, भगवान के निकुंजों में। मैंने कहा हाँ, आखिर वास निकुंज में पायो मीरा मेड़तनी, बनाने वाले ने वैकुंठ लिखा था, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ कुंठा नहीं होती वैकुंठ। भगवान का ऐश्वर्य में धाम कहा जाता है, लेकिन भगवान के सब धाम वैकुंठ ही मान लो, जहाँ कुंठा का, जहाँ कुंठा ही ना हो किसी भी प्रकार के, धाम का नाम भी वैकुंठ है। हाँ, माधव का ये धाम भी वैकुंठ ही है, निकुंज भी है, नारदीय निकुंज। चलिए एक बात है, प्राची जी का चरित्र हम कह रहे थे, और परम पूज्य प्रातस्मरणीय हमारे जीवन प्राण सर्वस्व हमारे बाबा, उनका उत्सव इस बार हम ठीक से मना नहीं पाए, बीच में मुझे भी कोविड हो गया था तो फिर कुछ हो नहीं पाया, बस ठीक से थोड़े से हमने बाबा के विषय में कुछ कहा। प्राची जी भी उसी राज्य से, बाबा भी, तो उस पार मिलेंगे वरदायक। प्राची जी का भी ये कहना था, बाबा बाबू जी की वो भी एक और बालिका थी, बड़ा उनसे अतिशय स्नेह। हम लोगों ने आज, आप सब लोगों ने देखा हमारे ऑस्ट्रेलिया के जो ग्रुप में जो छोटी छोटी बेटियां, वो छोटी सी जिन्हें हिंदी ही नहीं आती, और उन्होंने कितनी अच्छा उस पर प्ले किया है, वो बलिनो चला, उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छी एक्टिंग की, आपने देखा पिताजी। मधुर के अंदर हम लोगों को इसको शामिल करना, हाँ मधुर में हम प्ले करेंगे इस बार, इस पे हम लोगों की प्लानिंग है और बहुत अच्छे तरीके से सोच रहे हैं। दोनों बच्चियां, एक का नाम एलिना, एक का नाम अरियाना, हमने नाम बदल लिया, एक का नाम वाणी कर दिया, एक का नाम प्रथा कर दिया। वो छोटी सी, एक तो वो क्योंकि जन्म उनका ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ है, तो उन बच्चों को, लेकिन वहाँ पे उन्हें माहौल बड़ा अच्छा मिला, वहाँ के जो ये भैया लोग हैं हमारे, और सभी बहुत भगवान की कृपा से माधव जी से बड़ा प्रेम करने लगे। हम यही चाहते हैं कि बहुत अच्छे से, तो उनका प्ले आप लोगों ने देखा, जिन्होंने नहीं देखा वो देखिएगा। हाँ, और उस बच्चे को उस उन्होंने हिंदी बोली ना, तो उन्होंने जहर बोल नहीं पाए, इतना अच्छा जहर है
बहुत अच्छा है, उस छोटी सी बच्ची ने बोला। श्री कृष्ण बनी थी और बड़ी बहन बनी थी प्राची, और बहुत अच्छा है उन्होंने, और उनका बहुत थोड़े में उन्होंने अपनी यहाँ ही उसका नाट्य रूपांतरण किया, बहुत अच्छा। देखिए हमने आपको पूर्ववत जैसे बताया किस प्रकार से प्राची जी का नारदीय निकुंज से और संबंध रहा माधव जी से, हमने कहा पूर्व से पूर्व की बात बताई उन्होंने कि किस प्रकार एक स्थान के शिलाखंड जिनका पूजन किया जाता था श्री राधा माधव जी के रूप में, और भगवत सिद्धि नहीं प्राप्त हुई पर हर भक्त के ठाकुर अलग अलग होते हैं और वो ठाकुर पहचानते हैं कि ये मेरा प्यारा भक्त है। तो आप जानते हैं जैसे रघु जी के राम जी थे ना, उन्होंने वो सदा केवल वो महात्मा रघु 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 बोला करते थे, बाबू जी के पास गीता वाटिका में ठहरे थे, बाबू जी ने उन्हें जीवन काल में कभी बोलते हुए नहीं देखा, वो इंग्लिश में लिखा करते थे, कुछ भी लिख रहा होता था इंग्लिश में ही लिखा करते थे, और हमेशा केवल एक पाव, 24 घंटे में एक पाव कोई चीज़, तो एक पाव कभी कभार परवल, कभी कभार एक पाव करेले करेले, तो 24 घंटे में एक पाव कुछ लेना, दीदी को अंदर पाने दीजिए चले। तो ऐसे उनका था वो महात्मा रघु 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 के अलावा, इसलिए उनको लोग रघु बाबा कहने लगे। सदा उनके अनवरत नेत्र झटते रहते थे। एक बार बाबूजी ने उनको जीवन में पहली बार बोलते हुए देखा, उनका अंतिम दिन था, उन्होंने क्या गाया था, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, दर्द की मारी बन बन डोलू बन बन डोलूं बैर मिला नहीं को, मीरा जी प्रभु तीर मिटे जब, मीरा जी प्रभु तीर मिटे जब, वैद समरी दीवानी मेरो दर्द न जाने को। ऐसे उन्होंने उनको पहली बार बोलते देखा, हाँ रघु बाबा किस, मैंने क्या क्या चीज़ बता रहा था मैं, जब प्राची जी के विषय में बताते रघु बाबा के उदाहरण की बात आई, वो ध्यान से सुन रहा हो तो बताओ, मेरा ध्यान उधर लोगों के बैठने की व्यवस्था की तरफ जा रहा था, मैंने कहा बाहर सर्दी बहुत है वो कैसे बैठे होंगे, और उधर भी लोग जीने पे चढ़े हुए हैं, बहुत बस भगवान कृपा रखे सब लोगों पर। आप ये कौन बच्चा बोला, बाल कृष्ण विष्णु भगवान, विष्णु भगवान सर्वशक्तिमान, बहुत बढ़िया, मतलब तुम ध्यान से सुन रहे हो। तो मास्टर जी ने पूछा, बच्चों सत्य और ब्रह्म में अंतर क्या है, तो आप जानते हो, गोपाल खड़ा हो गया और गोपाल ने कहा, मास्टर जी वास्तव में आप ध्यान लगा के पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ये नितांत सत्य है, पर हम ध्यान से पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। तो बिल्कुल सत्य भ्रम में ये भी अंतर है कि आप ध्यान से सुना भी नहीं रहे, ये भी सत्य है, पर हम ध्यान से सुन रहे हैं ये तो भ्रम है ही। बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिए। देखिए रघु जी वो संत थे, उनके ठाकुर जी जब भगवत धाम चले गए अंतकाल में, उन्होंने आखिरी बार में गाया था और गीत स्तुति सुनी भाई जी को बुला के, और उन्होंने प्राण भी छोड़ दिए। वो महात्मा उनके जो ठाकुर जी चित्र स्वरूप में सेवा करते थे ना, उन ठाकुर जी को दिखाते नहीं थे किसी को,
एक बार लोगों ने कहा एक बार अपने ठाकुर जी के दर्शन करा दीजिए, तो उन्होंने कहा स्नान करके आएंगे तो एक बार दर्शन करो चुपके से। तो जैसे ही लोग स्नान करके आते सबको थोड़ी सी एक झलक दिखाते हैं मेरे ठाकुर जी, इतना प्रेम करते थे उन राम जी से। लेकिन जब वो चले गए तो फिर उन ठाकुर जी की सेवा ठीक से नहीं हो रही थी। फिर एक जज साहब आते थे वाटिका में, उनके यहाँ स्वप्न आदेश भगवान ने किया कि मेरा जो चित्र है वो ले गए हैं रघु जी के कोई जानकारी में वो, और वहाँ जाके देखना उनसे उस चित्र पे जाले लगे हैं सब कुछ ऐसे, मेरी सेवा करवाओ। तो फिर जज साहब ने वो चित्र अपने यहाँ रखवाया, उसकी इतनी अच्छी सेवा करवाई। तो आप जानते हैं भगवान सबके व्यक्तिगत होते हैं, तो जिन शिलाखंडों का पूजन होता था मकराना की तरफ से, वहाँ से उन्हीं शिलाखंडों का कालांतर में एक से एक जन्म बाद में गाज़ियाबाद में श्री राधा माधव जी के रूप में आना हुआ। तो वो पहले भगवान का स्वरूप धारण न करते हुए भी वो भगवान बन चुके थे, इसलिए ये पूजित आज से नहीं है। इसका मतलब सैकड़ों वर्ष पहले इनका पूजन प्राची जी के द्वारा हो चुका है। तो पता है ठाकुर जी ने पहली पहचान क्या बताई थी, हम कहाँ से आए हैं? तो माधव नाम बताया, गाज़ियाबाद बताया था। ये बात तो बाद में खुली जब वो उनकी हड्डियाँ जुड़ गई, तब तक तो वो लड़का ऐसे ही। और आजकल के स्मार्ट बॉय, हाँ स्मार्टी बॉय हैं आजकल के छोरों की तरह। तो हमने कहाँ तक बताया, गाड़ी में प्राची का एक्सीडेंट होने के बाद में जब पांचों छह हड्डियाँ टूट गई थी तो वो कहाँ ले जा रहे थे, कल हम बता रहे गाड़ी में वो लेके गए, दिलासा दे रहे थे। प्राची का हमने बताया कितना नाम जप कैसे, तो गाड़ी में भी नाम जप करना, गाड़ी में सरकार वो जैसे गाने तो बजने लगते हैं ना, तो प्राची जी को और वो बर्दाश्त नहीं था उन्हें, अगर इसे बंद कर सको तो बंद कर दो, अगर आप लोगों को सर्दी लगेगी बेटे बाहर भी कोई और है, हाँ बंद कर दो। तो शीत लहर है बहुत ज़्यादा, कल भगवान से प्रार्थना कीजिए, कल तो सनी डे है ना, लोग कह रहे हैं वो आज से कल बेटर है। गाड़ी में प्राची जी को बिल्कुल वो सुहाया नहीं, क्योंकि वो तो अपने घर में भी कॉलेज से आते ही रूम में बंद रहे हो जाना, वो कहती थी प्रपंच की चर्चा कान से ही जाएगी। उन्होंने कहा भगवान भी कान से ही प्रवेश करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है, उनका भी ये दृढ़ विश्वास था जैसे मेरा, कान से सर्वप्रथम भगवान को देखा जाता है, कान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। छोटे बच्चों को एक बार बिल्कुल शांत, हाँ तो प्रपंच की वार्ता उन्हें बिल्कुल प्रिय नहीं थी। जैसे ही वो बजा गाना हम तेरे बिन, हाँ हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, अब ना कहीं हम तेरे बिन तेरे बिना क्या वजूद मेरा, ये हमने एक कॉलेज में भी सुनाया था जहाँ बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे, सीटियाँ मार रहे थे, नागपुर, सोलापुर, जब आप बोलने लगे तो कितना शोर मचाया। फिर पिताजी ने कहा ये भैया हैं इसी एक टीचर्स को पढ़ाते हैं, देखो ये सुनाएंगे, इनको ही सुनेंगे आप। फिर मैंने कहा ये तो सुन रहे सीटियाँ मार रहे सब, वूटिंग कर रहे हैं। फिर मैंने कहा गाना सुनो, तब उस समय ये गाना रिलीज हुआ था, गाना मैंने कहीं रास्ते में सुना और मैंने इस पे मैं सोचता रहा तेरे बिना क्या वजूद मेरा, मैंने कहा वजूद तो भगवान के बिना नहीं, और तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, तो कौन है जिनसे जुदा हो जाने पे हम खुद से जुदा हो जाते हैं। जीवनम सर्वभूतेषु भगवान अयम आत्मा गुणाकेशु, तो भगवान से जुदा होना मतलब अपने आप से ही है। तो फिर हमने ये ठाकुर जी को पता नहीं ये प्रिय होगा क्या, हमारे ठाकुर जी तो बहुत सुनते थे क्योंकि सामने वाले है ना, जब ठाकुर जी का श्रृंगार होता था सामने वाले बजाते थे रोज सुबह सुबह से, तो हमारे आसपास के बच्चों ने बोला कि ये इतने तेज डैक बजाते हैं तो इन्हें मना कर देंगे, सुबह सुबह भगवान श्रृंगार होता है भगवान का। मैंने कहा अच्छा तुम यहाँ कीर्तन सुना सुना के लोगों के को तंग करो है, और अब इनके गाने ना सुनो, बजाने दो इनको,
तो ठाकुर जी के ठीक श्रृंगार के समय बजाता था वो भी, और कई महीनों तक ठाकुर जी सुनते रहे। तो वहाँ अब क्या हुआ, गाड़ी में ही गाना बजा। प्राची जी ने कहा इसकी वॉल्यूम कम कर लीजिए, अगर हो सके तो आप इसे बंद कर दीजिए। अच्छा, तो मेरी पसंद थी ये, ठीक है, एज यू विश, मुझे अच्छा लगता है ये। फिर अरिजीत का है, अरिजीत सिंह का, ऐसे बताया। और फिर अच्छा कोई भजन बता दो, उनका हमें कोई भजन नहीं पता है। कमाल है। अच्छा, गौरव कृष्ण गोस्वामी जी का राधे सदा मुझ पे रहमत की नज़र कर रखना, और उसमें वो बजा दे, और उसके साथ भजन गाड़ी चलाते चलाते भजन गा रहे थे। ये पहली पहचान थी उनकी। तो इस जमाने की नई एक कहानी सुनो, इस जमाने की नई एक कहानी सुनो। जब नंद दुलारा पुनः गया, जब नंद का प्यारा पुनः गया, नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में एक नए भेष में, बल्ली नो चलाना गजब ढा गया, वो बल्ली नो चलाना गजब ढा गया, वो बल्ली नो चलाना गजब ढा गया, वो बल्ली नो चलाना गजब ढा गया। देखो क्या ये हमने लाइनें सुनाई हैं। जब चिकित्सक के पास वो जाने लगे, जब चिकित्सक के पास वो जाने लगे, नए गाड़ी में गाने बजाने लगे, नए गाड़ी में गाने बजाने लगे, नए गाड़ी में गाने बजाने लगे, सकते नहीं हम तेरे बिना, रह सकते नहीं हम तेरे बिना, ऐसा अरिजीत का गाना गजब ढा गया, ऐसा अरिजीत का गाना गजब ढा गया। वो बोली आवाज इसकी मंदी करो, वो बोली आवाज इसकी मंदी करो। अच्छा, पूरे एपिसोड में पूरे चौक डॉक्टर के पास से जाने से लेके प्राची ने शायद यही सेंटेंस बोला होगा। प्राची कुछ नहीं बोली, ये तो सब जानते हैं कि उनका स्वभाव ऐसा था कुछ ना बोलने का। वो बोली आवाज इसकी मंदी करो, वो बोली आवाज इसकी मंदी करो, कर सको गर तो अब इसको बंद ही करो, कर सको गर तो अब इसको बंद ही करो, कर सको करो। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, अजी कर देते बंद ये थी मेरी पसंद, अजी कर देते बंद ये थी मेरी पसंद, कह के यूं क्या? अरे कोई नहीं मत गाने सुनो, अरे कोई नहीं मत गाने सुनो, अजी अपनी पसंद का भजन ही चुनो, अजी अपनी पसंद का भजन ही चुनो, चलो अपनी पसंद का भजन ही चुनो, चलो अपनी पसंद का भजन ही चुनो। रहे की नजर राधे कर दो इधर, रहमत की नजर
ऐसा भजन चलाना गजब ढा गया, ऐसा भजन चलाना गजब ढा गया। बीच में पूछते आप कैसी हैं, उनके दर्द बहुत ज्यादा था। एक देखो, जिस तरह भगवान के भी एक प्रश्न का उत्तर न दिया हो कितनी समझदार थी वो। हाँ, तब तक कभी कोई एहसास नहीं था कि एक दिन ये प्राची इतनी ज्ञानी हो जाएगी, वेद शास्त्रों से लेकर सब बोलने लगेगी, ऐसी संगीत विशारद हो जाएगी, संगीत का ज्ञान हो जाएगा, सब चीज सर्वज्ञता अंतःकरण को पढ़ लेना, सब चीज़ें उसे आ जाएगी। लेकिन भगवान कैसे परिवेश में, कैसे किसके सामने, नरसिंह जी के सामने किसना खाती बन के आए थे, श्रीखंडिया बन के एकनाथ जी के पास आए थे, वैसे ही दामाजी पंथ के लिए बिठू बन के आए थे। हाँ, सच में विद्यापति मिश्र के लिए उगना बन के भगवान आए थे, धन्ना के पास भगवान आए थे, अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से आए, पर पहचान नहीं पाता। क्या झूम मस्ती में गाड़ी चलाते थे वो, झूम मस्ती में गाड़ी चलाते थे वो, संग मिलके भजन भी गुनगुनाते थे वो, संग मिलके भजन भी गुनगुनाते थे वो, संग मिलके भजन भी गुनगुनाते थे वो, रह रह पूछते कहिए कैसी हैं आप, रह रह पूछते कहिए कैसी हैं आप, पूछ के मुस्कुराना गजब ढा गया, पूछ के मुस्कुराना गजब ढा गया। क्या प्राची जी ने कहा, कभी अभ्यास नहीं रहा, उनको अपने बहनों से ही बात नहीं करती थी। उनकी बहन सौम्या अभी एक दिन फ़ोन पे कह रही थी कि भैया एक सबसे अच्छा सुखद अनुभव होता था उनको मुस्कुराते हुए देखना, वो बहुत थोड़ा ही मुस्कुराती थी, पर मुस्कुराती थी तो बहुत ही सुंदर लगती थी। वैसे भी भगवान की कृपा से वो अतिशय सुंदर थी, और लेकिन मौन रहना, बहुत अंतर्मुख थी। तो लेकिन प्राची जी को पहली बार कोई इतना मुखर व्यक्ति मिला। लेकिन प्राची जी ने बाद में कहा, उस समय में बड़ा अटपटा लगा कि ये लड़का इतना बोलता कैसे है, क्योंकि हमें ज़्यादा बोलने वाले ना क्लास में हम ज़्यादा बैठ पाते, हमें कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने कहा हम जब ज़्यादा किसी को देखते तो हम किसी के विरुद्ध हमारे मन में विचार नहीं आते थे, विचार ऐसे आते थे वो हमारे लिए शून्य हो जाता, फिर वो एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ऐसे लगा कि ये बहुत बोल रहा, लेकिन पहली बार किसी ने हमारे मन को बहिर्मुख किया। उनकी बातों को देख के मेरे को ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति जो भी है पर ये ख़राब व्यक्ति नहीं है। उनके स्पंदन, उनसे ऐसा लगा कि कोई बहुत आत्मीय है। पता नहीं उनके बोलने से हमें उन्होंने ऐसे वैचित्र हमारे मन की दशा को ऐसा कर दिया हो, वो वही जाने, लेकिन हमें बीच बीच में ऐसा लगता कि कोई बहुत ही, कोई पता नहीं कोई जन्मों के अपने हो, कभी बिल्कुल अनजाने, कभी उनका व्यवहार बिल्कुल अटपटा, कभी बिल्कुल मधुर। ये बात हमें समझनी, तब तक समझ नहीं आई, फिर बाद में मन के अंदर में एक बड़ा पश्चाताप हुआ कि आज हमारा भगवान का जप करते हुए हमारा मन बहिर्मुख हुआ। एक बात प्राची जी कहा करती थी कि बड़ी दुखद बात है, उन्होंने जो ये बात हमने पहले भी उनकी बात बताई, और उस समय नारायण के समय मैंने रिकॉर्डिंग की थी नारायण, तब उन्होंने कहा था कि स्त्री साधकों को नष्ट करने वाले पुरुष साधक होते हैं, इसलिए स्त्री साधकों को सावधान रहना चाहिए, कहीं पुरुष साधकों में ठाकुर जी वगैरह उन्हें ना दिखने लग जाए। उन्होंने कहा ठाकुर जी में ही ठाकुर जी देखिए, बड़ी खतरनाक बात है। उन्होंने कहा हमने नेत्र उठा के जगत को देखने का ज़्यादा प्रयास नहीं किया, तो जगदीश ने खुद इसके विषय में चिंता करनी प्रारंभ कर दी कि ये मुझे कैसे देखें। जब खुद हम इस तरीके की चेष्टा करेंगे तो उन्होंने कहा बहुत सावधानी पूर्वक हरि गुरु के वचनों का आश्रय लेके बढ़ा जाता है इस मार्ग पे, बहुत बड़ी। और उन्होंने कहा कि स्त्री साधक को पुरुष साधक नष्ट कर देते हैं, बाहर के पुरुष नष्ट नहीं करते। और दूसरा कहती थी पुरुष साधकों का काल है स्त्री साधक, बाहर की स्त्रियां नहीं। तो उसने बोला किसी भी तरह भाभी जी, माता जी, बहन जी और उनमें बहुत ज़्यादा आकर्षण हो जाए,
वो कहती थी सत्संग के बहाने भी इन चीज़ों से तो बहुत ही बचना चाहिए। जाके हम क्या करते हैं, पुरुष भाइयों साधकों को हम मदद नहीं करते, आइए भाई सब बैठ जाइए बैठते हैं, और माताएं बहनें देखिए अरे हमें सहायता करनी चाहिए, पर उनमें जाके उनकी व्यवस्था करने लगे, आइए आइए आप बैठिए आपकी व्यवस्था करें। बिल्कुल ऐसी पंचायत नहीं करनी चाहिए, सहायता सबकी करो, लेकिन ऐसा जाके उनमें ज़्यादा मुखर होना, उनमें इन्वॉल्व होना, मतलब वो साधक नष्ट होने वाला है। एक शब्द बहुत अच्छा कहा करती थी कि जब कोई पुरुष ये कहे कि अमुक मेरी मित्र है, और या स्त्री कहे पुरुष मेरा मित्र है, उन्होंने बोला मित्र की परिभाषा ऐसी भी नहीं है, पुरुष भी ऐसे नहीं कह सकता किसी पुरुष को कि मेरा मित्र है। मित्र की परिभाषा उन्होंने बड़ी सुंदर बताई थी, ये सब बातें बड़ी गौर करने लायक थी। तो उन्होंने कहा कि साधक बहुत पूर्व में नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा प्रपंच किसी भी प्रकार से पहले धीरे से घुसता है और फिर अपना विस्तार बड़ा करता है। तो उनके मन में इस बात का दुख हुआ कि आज हमारा ध्यान इस लड़के की तरफ गया, बाद में भगवान ने अफसोस का मौका नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने अपने मन को इस तरह से जीत के भजन किया था। तो क्या हुआ, हाँ प्राची रह रह यही मन में सोचती, साथ दर्द भरे आंसुओं को पोंछती, साथ दर्द भरे आंसुओं को पोंछती, कौन मेहरबान ये लगे अनजान ये, ऐसा जाना पहचाना गजब ढा गया, वो एक बात कहती थी कि निश्चित ही वो अनजान थे, लेकिन ऐसे जाने पहचाने लग रहे थे। बाद में उन्होंने कहा कि मन में कहीं ऐसी ग्लानि नहीं हुई कि जीवन में हमारे मन ने किसी और दिशा को पकड़ा हो, बस एक बात का अफसोस रह गया कि कोई ऐसा पुरुष आज जिसने इतनी बातें की, जिसकी बात हमें कहीं हमारे किसी मन के कोने में हमें मधुर लगी। उन्होंने कहा देखिए यहीं से गलती प्रारंभ होती है, अगर भगवान न करे कर कोई और होता तो। इसलिए उन्होंने कहा कि लक्ष्य पे आरूढ़ साधक को बड़ा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि अगर भगवत दर्शन की चाहत है तो फिर उन्होंने कहा मन के अंदर ये बात आई, एक मन में एक बात आई कि मेरे कोई ऐसे कष्ट की स्थिति में क्या पता भगवान ही इन्हें प्रेरणा करके करवा रहे हूँ, ऐसी बात ऐसा हो। और फिर बहुत थोड़े किसी मन के अंदर ये बात आई उन्होंने जो बड़ी खतरनाक है, कहीं ऐसा ना हो कि ये भगवान ही हो। तो उन्होंने बोला ये बात खतरनाक क्यों, उन्होंने बोला ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि वो लड़का बहुत सुंदर था, मैं एक सुंदर स्त्री के रूप में अगर मुझे कोई कहे और फिर मैं उसमें कहूँ मुझे ये बिल्कुल ही राधा रानी दिख रही है, एक काली कलूटी में मुझे राधा रानी क्यों नहीं दिख रही। उन्होंने बोला बहुत ही ख़राब, बहुत ही विकृत और बेढंगा सा पुरुष होता और मैं उसमें कहती ये तो भगवान जैसा लग रहा है। उन्होंने बोला मुझे ये बड़ी ख़तरनाक बात लगी कि मेरे मन में कहीं ये बात आई कि कहीं ये भगवान ही ना हो। मैंने कहा कितनी सूक्ष्म बात सोची, तो उन्होंने कहा ये बहुत कम आई, नहीं के बराबर, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि ये जान पहचान वाले लग रहे हैं, ऐसा जान पहचान और वैसे है अनजान। तो मन में सोच रहे थे कि भाई, बाद में तो उन्होंने कहा कि उनका सौंदर्य वास्तव में ऐसा था, हमने कभी गौर नहीं किया, लेकिन अब विचार करते हैं कि सौंदर्य वास्तव में ऐसा लगता था कि भैया क्या देवताओं से तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, उनकी उपमा किसी से नहीं होती है। उसको मैंने अपने शब्दों में लिखा, कभी ये जान पहचाना कभी अनजान लगता है, कभी ये जान पहचाना कभी अनजान लगता है, फरिश्तों से ले आया छीन शौकत शान लगता है, से ले आया छीन शौकत शान लगता है, हुनर ये दिल
लुभाने का शौक, नजरों का जादू ये हुनर, ये दिल लुभाने का शौक, नजरों का जादू ये किया ये आसमानों से उतर भगवान लगता है, किया ये आसमानों से उतर भगवान। बड़ी सुंदर, शाम की हो गए शाम में खो गए, एक मीरा नई की कहानी है। वाह वाह वाह। आंखों देखी है ये, जय जय प्रभु जी, कान से ना सुनी श्याम सुंदर की प्रेम कहानी है ये। बहुत सुंदर भैया, आप ऐसे लोग वेयर नोटिस करते हैं क्या, लोग YouTube पे सुनते हैं ना, कहते भैया कुछ कहने वाले थे पर रुक क्यों जाते हैं। अच्छा हुआ, ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे। ओ दीदी बहुत बहुत प्रणाम, आइए सुस्वागतम। जैसे ही उन्होंने सोचा कि कोई जाना पहचाना लगता है, आपको जगह नहीं मिल पा रही है, चेयर लगा देते हैं वहाँ पे, वो सही बैठ पाएंगे। उनको सोचते देखा तो मुस्कुरा गए, क्योंकि मन की बात पढ़ ली थी कि इन्हें पहचान भरा लग रहा है, कि बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है, वैसे बिल्कुल अनजाने हैं। तो क्या किया, सोचते देखा इसको वो मुस्का गया, खुद इन्होंने उत्तर दे दिया। प्राची जी मन में सोचती थी ये पहली बार देखा है लेकिन जाने पहचाने से लग रहे हैं, इतने जाने पहचाने से, तो इतने वो मुस्कुराने लगे। तो उन्होंने क्या, सोचते देखा इसको वो मुस्का गया, सोचते देखा इसको वो मुस्का गया, सोचती होंगी आप ये कौन आ 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 गया। ऐसी कहीं अजी, ऐसे कहीं कोई मिलता नहीं, अजी ऐसे कहीं कोई मिलता नहीं, कोई रिश्ता पुराना गजब ढा गया, कोई रिश्ता पुराना। क्या कहा प्राची जी, बोला तो कुछ नहीं ना, मन ही मन में सोच रही थी ना, हैं जी बात ऐसी है, कोई पुराना रिश्ता ही होगा हम लोगों का, तो ऐसे ही है ना, ऐसे कोई थोड़ी मिलते हैं कहीं कहीं पे, देखो आपको एक्सीडेंट हुआ कहीं, देखो हम मिल गए जी, ऐसे करके बात है जी। हाँ जी, ये उनका तरीका था, नाम तो प्राची का पता तो था लेकिन हाँ। अब देखिए प्राची जी कुछ नहीं बोली, नाम जपने लगी, हाँ धीरे धीरे वो, उनको दर्द तो इतना, पेन दर्द था पूरा, इतनी स्वेलिंग थी,
लेकिन ऐसे में भी वो शांत हो के, क्योंकि आंखों से आंसू निकल ही रहे थे दर्द के मारे, लेकिन धीरे धीरे होठ हिलाने लगी। तो जैसे बुदबुदाना होता ना धीरे धीरे, तो इन्होंने कहा आप ऐसे बड़बड़ा क्यों रहे हैं, कुछ गलती की है क्या मेरी, कुछ गलती की हो तो ओहो आ जाओ निखिल इधर से, तो आओ निखिल आ जाओ आओ कहा बहुत बढ़िया होठ हिलते बड़ बड़ाइए, होठ हिलते देखे बोले यूं ना बड़ बड़ाइए, होठ हिलते देखे बोले यूं ना बड़ बड़ाइए, होठ हिलते देखे बोले यूं ना बड़ बड़ाइए, माफ कीजिए खता जो मेरी बतलाई है, माफ कीजिए खता जो मेरी बतलाई है, माफ कीजिए खता जो मेरी बतलाई है, माफ कीजिए खता जो मेरी बतलाई है। तो क्या कहते हैं, अपने बारे में बता रहे, अपने आप को जस्टिफाई कर रहे, बोलता कुछ हूँ ज्यादा वैसे हूँ सीधा सादा, बोलता कुछ हूँ ज्यादा वैसे हूँ सीधा सादा, बस ये हंसना हंसाना गजब ढा गया, बस ये हंसना हंसाना गजब ढा गया, नए परिवेश में एक नए देश में, नए परिवेश में एक नए देश में, वो बलिनों चलाना गजब ढा गया, वो बलिनों चलाना गजब ढा गया। अब देखिए बड़बड़ाने की बात कर, उन्होंने उत्तर नहीं दिया, नहीं मैं बड़बड़ा नहीं रही, मैं नाम जप कर रही हूँ, कुछ नहीं। उसका जो पर्स था उसमें से बीट बैग निकाला, माला, उत्तर नहीं दिया कोई बात का, माला निकाल के जप करने लगी, ये बताने के लिए कि मैं जप कर, ऐसा बोल भी सकती थी, सिर्फ एक बार बोली है वो इस पूरे एपिसोड में कि इसकी वॉल्यूम कम कर लीजिए या फिर इसे बंद कर दीजिए, इसके आगे वो बोली नहीं। डॉक्टर तक को भी सब कुछ यही बोलते हैं, लड़की को बोलने का अवसर नहीं दिया है, लड़की बोली नहीं, तो कितनी बढ़िया बात। क्या हाथ में लेके माला नाम जपने लगी, हाथ में लेके माला नाम जपने लगी, कर तिरछी नजर उनको तकने लगी, कर तिरछी नजर उनको तकने लगी, उन्होंने कहा हम तिरछी नजर से ये देख रहे थे ये है कौन, ये तूफान है बिल्कुल ही, गाड़ी चलाने का तरीका कितना बोलते हैं बाप रे, इतना बोलने वाले कभी लोग देखे नहीं थे। तो कर तिरछी नजर उनको तकने लगी, कर तिरछी नजर उनको तकने लगी, अब देखो क्यों तकने लगी, अभी तक तो देख नहीं रही थी इसलिए देखने लगी, पता क्या बोल रहे, ओए होए 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 कमाल हो गया भाई कमाल हो गया, ऐसे हो ऐसे जोर जोर से करने लगे, तब वो तिरछी नजर से देखने लगी कि ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे कौन से क्या बात हुई है, तब उसने उन्होंने उसको देखा, क्यों देखा, क्या ऐसा कमाल हो गया, वो क्यों कह रहे थे कमाल हो गया भाई कमाल हो गया, तो बताऊँ क्या कहा, कह रहे वाह रे वाह ऊपर वाले कमाल हो गया कमाल कर दिया तूने, तो क्या बोला क्यों बोला देखो, बोला क्या बोला देखो, हाथ में लेके माला नाम जपने लगी, हाथ में लेके माला नाम जपने लगी, कर तिरछी नजर उनको तकने 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 लगी, क्यों क्या बोल रहे थे बताऊं क्या बोला, वैसे उन्होंने क्यूट शब्द बोला था, हैं क्या, ऐसी क्यूट सी बाला, ऐसी सुंदर सी बाला, हाय जपती है माला, वाह रे वाह ऊपर वाला गजब ढा गया, वाह रे वाह ऊपर वाला गजब ढा गया, अरे वाह रे वाह ऊपर वाले, इतनी सुंदर लड़कियां माला जपती हैं, क्या जमाना है भाई, ओहो जिनका नाम देखो प्रचन्न स्वरूप में प्रभु आए और उन्हें पहचान पाए कोई, हरपाल जी जब से लुटवाने आए थे प्रभु जी अपने आप को, सेठ बन के आए और माँ लक्ष्मी को सेठानी बना के लाए,
कि हमारे भक्त के हाथों लुटना है, अपने को नए नए गहने पहन लो। और पता है भूल के भी राम राम श्याम श्याम राधे गोविंद ये नाम नहीं बोलने बिल्कुल भी। तुलसी वुलसी सब हटा दी, क्योंकि ऐसे कोई लूटते थे हरपाल जी और को तो लूटते नहीं थे। तो रस्ते भर प्रपंच की बात की, भाई सेठानी तुम कितनी सुंदर हो, तुम पराना इन तेन। तो हरपाल जी समझे एक बड़ा प्रपंची विषयी संसारी समझ रहे हो ना, तो इनको समझ पाना। जैसे गोलकुंडा के नवाब को कहा था ना कि ओहो मैं तो ना मेरा नाम तो विट्ठू है, मैं तो दामाजी पंत का नौकर हूँ, उनका गुमास्ता हूँ, जानते हो। ऐसे में इनको समझ पाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तो क्या फिर क्या बोले, बोलती कुछ नहीं क्यों आप बतलाइए, बोलती कुछ नहीं क्यों आप बतलाइए। इसके बाद भी प्राची जी बोली थी तो सोचा कुछ तो बोले, तो क्या बोले, बोलती कुछ नहीं क्यों आप बतलाइए, बोलती कुछ नहीं क्यों आप बतलाइए। सफर कट जाएगा मूंगफली खाइए, सफर कट जाएगा मूंगफली खाइए। लेकिन प्राची जी ने तब तक नोटिस नहीं किया था, जीवन में बाद में नोटिस किया। हमने सोचा कि मूंगफली वहां पे वहीं होगी रखी हुई, लाख पहले लेके आया होगा, लेकिन हमने बुद्धि नहीं लगाई कि मूंगफलियाँ कहाँ से लेकर आते हैं। ठोंगा क्या, लखनवे मूंगफली वो भी गर्मा गर्म, लखनवे मूंगफली वो भी गर्मा गर्म, कह के ठोंगा बढ़ाना जब था गया, कह के ठोंगा बढ़ाना जब था गया। अब देखो अपने आप को क्या बता रहे हैं। प्राची जी को थोड़ा अचकचा सा लगा, तो क्या हुआ, उन्होंने कहा देखो कुछ अलहदा लग रहा होगा आपको। अलहदा मतलब क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट, कुछ अलहदा लग रहा होगा। तो क्या लगता होगा, अजीब लगता होगा, अजीब जो अलहदा किया, लगता होगा अजीब जो अलहदा किया, जाने क्या खा मुझे माँ ने पैदा किया, जाने क्या खा मुझे माँ ने पैदा किया। अजी मुझे समझ नहीं आता मेरी माँ ने क्या खाया था मेरे पैदा होने से पहले। जाने क्या खा मुझे माँ ने पैदा किया, ओ जाने क्या खा मुझे माँ ने पैदा किया। अजन्मा है, वो अजन्मा है, अजोपि सन अव्ययात्मा। लेकिन देखो ब्रज भयो महर के पूत है? है? फिर क्या कहते हैं, अब लगा कि इन्हें बुरा न लगे तो क्या है, हुई गलती तो सॉरी। अब देखिए, हुई गलती तो सॉरी सुन के मुस्कुराई गोरी। इतनी देर बाद में प्राची जी मुस्कुरा गई। अभी तक कोई बात अपनी मैया को ऐसे बोलने तो उन्हें हंसी आई गई। तो क्या कहा, हुई गलती तो सॉरी सुन के मुस्काई गौरी, अजी वो मुस्कुराना जब था गया, अजी वो मुस्कुराना जब था गया। नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में एक नए भेष में, वो बल्ली ना चला एक और सुन लीजिए, फिर समय हो गया। हाँ चलिए जल्दी सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि ये बहुत ट्रैफिक है, उफ कितना ट्रैफिक है लखनऊ में आप लोगों के यहाँ। कहते हैं गाड़ी देखो 60 पे ही चल रही है। लेकिन 60 से और क्या किया, अचानक जैसे ही बोला ना तो उन्होंने कहा भैया क्रॉसिंग आया, क्रॉसिंग के बाद में क्या हुआ, ऐसे लगा कि लोगों ने दूसरी दिशा ही पकड़ ली है क्या। हमारे साथ तो अलग 3-4-5 गाड़ियाँ ऐसे साथ चली होंगी, पता ही नहीं लगा हमें, आगे पूरा खाली था। तो इतनी थोड़ी सी दूर की रोड पे ऐसे कोई चलाएंगे तो अचानक कोई गाड़ी आ जाए टकरा जाए कुछ भी, हमें तो डर लगता है। तो उन्होंने कहा कि इतनी तेज गाड़ी चलाई, हमें ये नहीं था कि ये हम चले जाएंगे ऊपर, पर उन्होंने कहा ये देखो ऐसा लगता है कि
जैसे कफन सर के ऊपर बांध के आते हैं ना, ऐसे ही इन्हें हो क्या गया। तो उन्होंने कहा, पहले कहा, उफ ट्रैफिक है कितना गाड़ी चलती 60 पे, उफ ट्रैफिक है कितना गाड़ी चलती 60 पे, रोड खाली देख दौड़ा दी 160 पे, रोड खाली देख दौड़ा दी 160 पे। गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी 160 पे, जानते हो कितना, 120 से भी ऊपर 160 इताज एक्सप्रेस पे भी नहीं चलती है, इतनी तेज गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। तो उन्होंने कहा कि इधर और इधर के बिल्डिंग से ना ऐसे लग रहा था जैसे धुर आते यार देखे ना, और हमें लगा कि इतनी तेज साई साई चलाने लगे। तो इतने में तो क्या कह रहे हैं बोल, जानते बताए क्या कहते हैं, रोड मक्खन के जैसी मिले कर दूं ऐसी तैसी, अगर रोड मक्खन के जैसी मिले तो मैं तो बिल्कुल ऐसी तैसी कर दूं जी। तो भाई क्या 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 और क्या कहा, मुंह से होरन, मुंह से आवाज निकाल दे पोंपो, मुंह से होरन बजाना गजब ढा गया, मुंह से होरन बजाना क्या। प्राची देख रही उनकी सब शरारतें, प्राची देख रही उनकी सब शरारतें, उसे दौड़ती सी दिखती थी सब इमारतें, उसे दौड़ती सी दिखती थी सब इमारतें, उसे दौड़ती सी दिखती थी सब इमारतें, जप भी करती थी वो मन में डरती थी वो, जप भी करती थी वो मन में डरती थी वो। यहाँ ये कहाँ से अनोखा तूफान आ गया, ये कहाँ से अनोखा। अब देखो जानते हो, रोड के इतनी जल्दी ला के गाड़ी ऐसे ले गए और तुरंत का तुरंत एक जगह रोक दी। और कहाँ पे, उन्होंने कहा देखिए इधर है ना ऑर्थो का यही क्लिनिक है जो हमने सर्च किया, ये ऑर्थो बड़े अच्छे हैं। तो रोड के बाई और गाड़ी रोकी सामने, रोड के बाई और गाड़ी रोकी सामने, ठीक ला के खड़ी की क्लिनिक के 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 सामने, क्लिनिक के ठीक सामने ला के खड़ी कर दी। देखिए इतनी दूर से उनका ध्यान इधर है, वाह भाई वाह। एक छोटे से कैमरे पे इतनी बड़ी मक्खी बैठ गई, तो उन्होंने कहा कि लोग बाकी टाइम में मक्खी देखेंगे, पर भैया ने देख ली वहां से, और ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, खैर ये लीला में प्रवेश कर गए हैं। बड़े मुश्किल तो सौभाग्य मिलता है इस समय बलिनों में ही है। और रोड ठीक क्लिनिक के सामने खड़ी की, हाँ फिर क्या हुआ, गाड़ी से बाहर निकले और प्राची जी को उधर से निकालने के लिए ड्राइविंग सीट से पहले निकले, बाहर तो आए, तो बाहर आए तो क्या, फिर जेब से निकाला तभी चश्मा वो काला, सुनो मेरी बात सुन लो पहले, कोरस वाले भी जबरदस्त हैं, एक रुपया नहीं मिलेगा इतना जोर से गा दो। क्या कहते बेटे, फिर जेब से निकाला तभी चश्मा वो काला, लगा जो कातिला ना गजब ढा गया, गुंगराले एकदम करली करली लॉक्स, एकदम करली गुंगराले बाल और काला चश्मा, गोरा चिट्टा रंग और क्या, जस्ट लाइक अ ब्यू, इतनी एलिगेंट, इतनी सुंदर पर्सनलिटी अब दिखती नहीं है लोगों में, इतना अच्छा फिजिक भी नहीं दिखता है, सब लोग उनके जैसा कोई अब क्या बोलें, किसी की उपमा हो तो इसके जैसे लगते हैं तो बता सकते हैं।
क्या बताएं, पर बहुत सुंदर लगे। फिर क्या हुआ, जब बाहर उन्होंने, यहाँ से हम छोड़ेंगे, लास्ट हैं, गाड़ी खोल के, मैडम आइए बाहर आइए, अरे अरे आपके तो, आपको तो दर्द बहुत हो रहा होगा, ऐसा कीजिए आप ना थोड़ा हमारा सहारा ले लीजिए। प्राची जी को ये तो बड़ी प्रॉब्लम थी, तो बहनों को छूने में जो परहेज़ करते हूँ, तो उनको फिर उन्होंने फिर भी क्या किया, आखिर सहारा लेना ही पड़ा, इतनी स्वेलिंग थी पैर में, तो उसे सहारा लेके ले जाने लगे, हंसने लगे, धीरे धीरे हंस रहे थे। तो प्राची जी को बड़ी शर्म आई, बहुत ही शर्म, कोई लड़के के साथ में, वो घर के लोगों के साथ नहीं बैठती थी, तो लोग अचानक ठिठक के रुक जाते, क्योंकि प्राची भी बहुत ही खूबसूरत थी और उनके साथ जो लड़का था वो तो गजब था, तो लोगों को लगा कि ये कोई कपल है। तो क्या, एक बार कोई भी आता थोड़ा रुक के देखने लगता दोनों को, लड़के ने चश्मा लगाया हुआ, क्लिनिक के अंदर ले जा रहे थे सपोर्ट देखें, तो लोग पता नहीं भगवान जाने, प्राची जी सोच रही थी कि या तो सहानुभूति के लिए देख रहे हैं सो मुझे नहीं पता कि मेरे पैर टूटे, या उस लड़के को देख रहे हैं सो मुझे नहीं पता क्या, या दो लड़के लड़की साथ है तो इसलिए देख रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि क्या कारण था, लेकिन वहाँ जो कुछ हुआ वो बड़ा विचित्र था। फिर क्या, खोल के गाड़ी प्राची को लिया बाह में, खोल के गाड़ी प्राची को लिया बाह में, बड़ा शर्माती लोग देखते राह 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 में। क्या, सब ठहर जाते थोड़ा, जो ही दिखता ये जोड़ा, छोरी और गोरा छोरा गजब आ गया, छोरी और गोरा छोरा गजब आ गया, नए परिवेश में एक नए वेश में, नए परिवेश में एक नए वेश में, वो बलून जमाने की नई एक कहानी सुनो, जमाने की नई एक कहानी सुनो, जब नंद दुलारा पुनः आ गया, जब नंद दुलारा जब नंद जो का प्यारा पुनः आ गया।